हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं मेरे चैनल 91 रेसिपी। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ मोमो की चटनी, स्पाइसी हॉट चटनी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल कर दे सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी स्पाइसी हॉट चटनी बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज का टोमेटो लिया है, जिसे बीच से कट कर लिया है, उसका ऊपर का भाग कट करके साइड कर लिया है। और यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून सोया सॉस लिया है, और यहाँ पे मैंने रेड चिल्ली लिया है सूखा हुआ 12 से 15 पीस, और यहाँ पे मैंने जिंजर लिया है 1 इंच का, उसे ग्रेट कर लिया है। सॉल्ट लिया है मैंने जरूरत के अनुसार, टेस्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे मैंने गार्लिक लिया है 5 से 6 कलियाँ, उसे भी ग्रेट कर लिया है। यहाँ पे मैंने वाटर लिया है टोमेटो को बॉईल करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने फ्लेम पे अपना छोटा सा पैन चढ़ा लिया है, अब मैं इसमें वाटर ऐड करूंगी। मैंने वाटर ऐड कर लिया है, अब मैं इसमें अपना टोमेटो ऐड करूंगी जो मैंने बीच से कट करके रखा था। ये सारा जो मैंने 3 टोमेटो लिया था वो सारा ऐड कर लूंगी, और फिर मैं इसमें रेड चिली अपना ऐड करूंगी जो मैंने लिया था। इसे मिक्स कर लूंगी अच्छे से, और इसे कम से कम 5 से 6 मिनट तक कुक करूंगी, ताकि हमारा और टोमेटो का स्किन जो हमारा आसानी से निकल जाए। 5 से 6 मिनट हो गया है और हमारा टमाटर अच्छे सॉफ्ट हो गया। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर लूंगी और इसे थोड़ा ठंडा होने दूंगी। मैंने पैन से टोमेटो को निकाल लिया है, अब मैं टोमेटो का स्किन टोमेटो से अलग कर लूंगी, हटा लूंगी। हमारा टोमेटो अच्छे से सॉफ्ट हो गया और इसका स्किन अच्छे से निकल जा रहा है, टोमेटो से अलग हो जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे सारे टमाटर का स्किन टोमेटो से अलग कर लिया है। अब मैं इसे ग्राइंडिंग जार में डालकर ग्राइंड कर लूंगी, इसका अच्छा सा पेस्ट बना लूंगी मैं, महीन सा। और थोड़ा सा इसमें वाटर ऐड कर लूंगी। इसे ग्राइंड कर लूंगी। ये देखिए, मैंने ग्राइंडिंग जार में ग्राइंड करके इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है। अब मैं बढ़ती हूँ आगे की प्रोसेसिंग की तरफ। मैंने मीडियम फ्लेम पे अपना पैन चढ़ा लिया है और हमारा पैन गर्म हो गया है। मैं इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करूंगी। मैंने फर्स्ट में आपको ऑयल के बारे में नहीं बताया था, तो अभी मैं 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा, उसके बाद मैं अपना सारा चीज ऐड करूंगी इसमें। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब मैं इसमें गार्लिक ऐड करूंगी और जिंजर भी अपना ऐड कर लूंगी मैं। इसका रोस्ट मिल जाए तक इसे अच्छे से कुक कर लूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं कुक करूंगी। मैंने फ्लेम मीडियम ही रखा है। ये हमारा जिंजर गार्लिक अच्छे से कुक हो गया है, अब मैं इसमें अपना सोया सॉस ऐड करूंगी जो मैंने 1 टेबलस्पून के करीब लिया था, और इसे भी जिंजर गार्लिक के साथ मिक्स कर लूंगी। सोया सॉस को मिक्स करने के बाद इसमें मैं अपना टोमेटो ऐड करूंगी जो मैंने ग्राइंड करके रख लिया था। ये सारा ऐड कर लूंगी इसमें, और इसे मिक्स करके अच्छे से कम 2 मिनट तक कुक कर लूंगी। और इसमें 1/2 टेबल स्पून के करीब सॉल्ट ऐड करूंगी, और इसे भी मिक्स कर लूंगी अच्छे से, और 2 मिनट तक अच्छे से कुक होने दूंगी। मैंने 2 मिनट तक इसे अच्छे से कुक कर लिया है, और ये अच्छे से कुक हो गया, थिक सा हो गया है। अब मैं अपना फ्लेम ऑफ कर लूंगी और इसे बॉल पे निकाल लूंगी। तो ये देखिए, हमारा स्पाइसी मोमोज रेड चटनी बनकर तैयार है। बहुत ही हॉट सा और स्पाइसी से बना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, अब आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब नाउ।